नमस्ते प्यारे बच्चों, तैयार हो? जैसा मैंने कहा था, मंडे तक पार्ट टू। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस गैस पेपर से, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, पास होने का जुगाड़, अच्छे मार्क्स लाने का जुगाड़। तो 3 एंड 5 मार्क क्वेश्चन आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। रिमेनिंग क्वेश्चन पार्ट टू में। पार्ट वन जैसे मैं बता चुका हूँ कि पहले अपलोड किया हुआ है पार्ट वन, वो जरूर देखें और उसमें फीडबैक भी दें जब एग्जाम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम डिस्कस करते हैं, दिए गए परिपथ में स्थायी धारा के साथ, यानी इन द गिवन सर्किट स्टेडी करंट यानी डीसी पास हो रही है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एंड द चार्ज स्टोर्ड इन इट। तो एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ हम देख पा रहे हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना और इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा वो भी निकालना। जबकि इस सर्किट में 3 बैटरीज लगी हुई हैं, एक 12 वोल्ट, एक 6 वोल्ट और एक और 6 वोल्ट। सो हाउ टू फाइंड इट, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके लिए आपको मिलने वाले 3 मार्क्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर सॉल्यूशन देखते हैं, करंट पता करने का एक नंबर है, वोल्टेज पता करने का एक नंबर है और चार्ज पता करने का एक नंबर है। तीन चीजें हमें पता करनी है बारी बारी से। तो यहाँ जो सॉल्यूशन दिया जाता है सीबीएसई में, उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी कम होती है बच्चों, तुम्हें जो है सपोर्टिंग लैंग्वेज का जरूर ध्यान रखना है। तो जब भी आप सॉल्यूशन बनाएंगे, सबसे पहले तो सर्किट आपको रिपीट करना होगा यहाँ पे। तो सर्किट बनाएंगे, इसमें नोडल एनालिसिस नहीं लगा सकते हैं, नोडल एनालिसिस अलाउड नहीं है बोर्ड में। यू हैव टू अप्लाई ओनली लूप लॉ। तो अगर लूप लॉ यहाँ पे हम लगाते हैं ACDFA में, लूप लॉ लगाने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से लूप लॉ लगा सकते हैं। तो रिजल्ट जो मिलता है, पहला रिजल्ट मिलता है, करंट जो मिलती है सर्किट में वो मिलती है 2 एम्पियर I की वैल्यू। और क्योंकि पोटेंशियल जितना AF के अक्रॉस होगा उतना ही BE के अक्रॉस होगा, हमें ये पता है कि कैपेसिटर स्टेडी स्टेट की बात की जाती है ना, ट्रांजिएंट करंट जो है बोर्ड में डील नहीं करते हम, क्योंकि उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो बोर्ड में इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ट्रांजिएंट करंट के, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाला केस जनरली डील नहीं किया जाता बोर्ड में। तो स्टेडी स्टेट की बात करेंगे तो कैपेसिटर में कोई करंट यहाँ पे फ्लो होने वाला है नहीं, यानी ये 6 वोल्ट की बैटरी तो बेकार हो गई। तो अब ये 2 ही सेल बचते हैं, इसका इक्विवेलेंट हम निकाल लेते हैं। 12 जो है करंट फ्लो कराना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि ये 6 वोल्ट वाला सेल करंट फ्लो कराना चाहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में काम कर रहे हैं, इसलिए नेट ईएमएफ हो गया 12 माइनस 6। और टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम यहाँ पर है और ये 2 ओम यहाँ पर है, दोनों सीरीज में, तो 3 ओम। इस तरह से करंट हमें मिल जाती है 2 एम्पीयर। उसके बाद अगर वीएफ और वीबीई की बात की जाए, ये दोनों बराबर हैं तो किसी एक का क्रॉस हम निकाल सकते हैं। तो 6 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो रहा है 1 ओम के अक्रॉस, क्योंकि करंट 2 एम्पियर है, 1 × 2 2 ड्रॉप यहाँ पे होगा, तो टोटल जो हो गया वो 6 + 2। तो उसको हम किसके बराबर मान सकते हैं, 6 + VC कैपेसिटर पे होने वाले ड्रॉप के बराबर। और यहाँ से हमें VC मिल जाता है 2 वोल्ट। फिर चार्ज निकालना है, चार्ज हम जानते हैं Q = CV होता है, Q = CV के लिए फॉर्मूला लगा, सी कैपेसिटी 5 माइक्रोफेरेड × 2 10 माइक्रोकूलम। अच्छा सवाल है, बोर्ड में आने लायक है, वो अच्छे से कंसेप्ट को समझ के तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 12, ए लॉन्ग चार्ज सिलिंड्रिकल चार्ज सिलेंडर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा 1 इज सराउंडेड बाय ए हॉलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा माइनस लैम्डा 2। सो देयर आर 2 सिलेंडर्स, वन ऑफ चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा 1, अनदर ऑफ चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा 2। We have to use Gauss law to obtain expression. तो Gauss law पर based आपको question मिलना है, ये definite है, 1 से लेकर 5 नंबर के बीच।
तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक ऐसे पॉइंट पर जो बीच में है दोनों सिलेंडर्स के और दूसरा जो बाहर है बड़े वाले सिलेंडर से भी बाहर। तो जैसे हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हमारे दिमाग में एक इमेज आ जानी चाहिए कि डायग्राम सिचुएशन क्या है, उसका एक डायग्राम की इमेज आ जानी चाहिए। तो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए डायग्राम बनाएंगे। जैसा कि देख पा रहे हो डायग्राम दो सिलेंडर है, कोएक्सियल सिलेंडर और लाइन चार्ज है। तो वो जो पॉइंट की लोकेशन है एक तो है R1 और दूसरी है R2 आउटसाइड। तो यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज और लिखनी होगी, जो सॉल्यूशन यहाँ पर दिख रहा है आपको उसमें सपोर्टिंग लैंग्वेज एडिशनल चाहिए होगी, तो उसका ध्यान रखें। जैसे अप्लाइंग गॉस लॉ फॉर विच सरफेस वो सब बताएंगे। तो गॉस लॉ से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, पहले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, दूसरे पॉइंट पर क्योंकि अपोजिशन में होगा दो सिलेंडर के कारण, पहले पॉइंट पर बाहर वाला जो चार्ज है वो सिर्फ गाउसियन सरफेस में कंटेंट चार्ज लिया जाएगा, तो यहाँ तो लैम्डा 1 ही आएगा। दूसरे वाले में माइनस लैम्डा 2 का भी रोल है, तो माइनस लैम्डा 2 भी आ जाएगा। इसको आसानी से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए गिवन रेजिस्टर इज अल्टर्ड। तो ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम चेंज करते हैं। So that the heat produced per second increases by a factor of 9. ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, by and to, ये दो वर्ड है, increases by और increases to, तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप जरूरत पड़ने पर हिंदी में भी देख लें, किसी प्रतिरोध के सिरों पर लगाए गए विभवांतर को इस प्रकार बदला जाता है कि उसमें प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा 9 गुना हो जाती है, मींस बिकम्स 9 टाइम्स, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 9, तो फिर तो 10 मतलब 10 टाइम्स हो जाएगी। तो ऐसा नहीं, तो वास्तव में इसका पता कैसे चलेगा, अगर बाय लेकर बाय मानकर करें अंग्रेजी के हिसाब से तो सिचुएशन कैलकुलेशन जो है इसमें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, और कैलकुलेशन अगर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी तो आंसर निकालने में समय लगेगा, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। बोर्ड में कभी भी ऐसा नहीं होता, बोर्ड में जो भी न्यूमेरिकल आते हैं उनकी कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, मींस 9 टाइम्स हमें करना है, तो वो हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर बी पार्ट है, इन द फिगर शोन एन एमीटर ए एंड रेजिस्टर ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स। तो ये एमीटर दिख रहा है हमको और एक 4 ओम का रेजिस्टेंस। द ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज 12 वोल्ट हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। ये 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट द वोल्ट मीटर एंड एमीटर रीडिंग। वोल्ट मीटर एमीटर रीडिंग हमें निकालना है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है सॉल्यूशन इसका, बस इसमें यहां गलती नहीं की जाए, इसको ठीक से समझा जाए। बाय फैक्टर ऑफ 9 का जो मीनिंग है, प्लस 2 ओम मिस ना हो। कई बार जो है ना इंटरनल रेजिस्टेंस जब हम बनाते हैं सर्किट तब तो हम ऐसे सीरीज में लगा के दिखा देते हैं जिससे वो भूल नहीं जाए उसको कैलकुलेशन। हम जानते हैं हीट डेवलप जो है h v² / r इनटू टी होगी, उसके प्रोपोर्शनल है। टी यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है, v² / r इनटू टी, क्योंकि हीट की बात कर रहे हैं, पावर होती है v² / r। तो हीट डेवलप को अगर 9 टाइम्स करनी है, हाँ हीट डेवलप पर सेकेंड बोले तो t1 हो गया, तो 9 टाइम्स करनी है, वी हैव टू मेक वोल्टेज 3 टाइम्स क्योंकि एच इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो ये पहला जवाब हो गया। और फिर सर्किट में अगर हम रीडिंग निकालते हैं अमीटर की, तो नेट ईएमएफ 12 है, टोटल रेजिस्टेंस 4+2 है, 2 एम्पियर तो करंट हो जाती है, तो अमीटर 2 एम्पियर रीडिंग दिखाएगा, और क्योंकि करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस 4 ओम का है, तो वोल्ट मीटर 8 वोल्ट दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट द कंडीशन अंडर विच अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी वी goes undeflected in a magnetic field B. Magnetic field B में undeflected कब जाएगा कोई charged particle? तो natural है जब वो parallel जा रहा है या anti-parallel जा रहा है magnetic field के, तो undeflected जाएगा, क्योंकि magnetic field तो force तभी लगाएगा जब कुछ angle पर जाएगा या कोई perpendicular component होगा। An electron after being accelerated through a potential difference of 10⁴ volt enters a uniform magnetic field B भी है हमारे पास और potential difference है थीटा भी है परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है हमें ट्रैजेक्टरी। एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं बच्चों, उनमें से एक तरीका यह है
न्यूमेरिकल है ये, फोर्स एक्सपीरियंस्ड एफ, ये तो पहले पार्ट का जवाब हुआ, क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी, तो चार्ज अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, तो हम मैथमेटिकल इक्वेशन से सपोर्ट करके दिखा रहे हैं, डेफिनेटली वी इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू बी, तभी उस पर लगने वाला फोर्स जीरो होगा। दूसरा अल्टरनेटिवली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालनी है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी, उसको हमने काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दिया, दिस इज वन ऑफ द मेथड, और दूसरा कोई और मेथड भी आप लगा सकते हो, आर का फॉर्मूला अगर आपको पता है, एमवी अपॉन क्यूवी, तो यहां से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के बराबर करते हैं, वी पोटेंशियल से एक्सेलरेटेड है, तो ये फॉर्मूला आता है आर का, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वी नो दैट, और डिराइव करके भी बता सकते हैं। तो ये इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे हम, जो भी वैल्यूज हमको दी गई है, ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, ये अप्रोक्सीमेट में निकाल सकते हैं, ऑर्डर सही होना चाहिए, 10^-3 मीटर, मान लो आपका आंसर 8.2 आता है तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 8.3 आता है तो भी मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सोर्स है एसी वोल्टेज V इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी, उसको हमने कनेक्ट किया प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, तुमसे कहा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट, पहले करंट का एक्सप्रेशन हमको निकालना है, क्योंकि सोर्स जो दिया हुआ है वो वोल्टेज सोर्स है, शो दैट एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज जीरो। इसके दो तरीके हो सकते हैं बच्चों, इसके जो सॉल्यूशन मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ उससे कंफ्यूज मत होना, एक तरीका तो ये हो सकता है जब तुम एसी में पढ़ते हो, वेरियस सर्किट्स इन एसी, सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, जिसमें तुम्हें वेक्टर डायग्राम, फेजर डायग्राम और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना होता है, तो एक तरीका तो यह है कि हम सर्किट बनाए इंडक्टर का, यहाँ वोल्टेज सोर्स मेंशन करें और करंट निकाल के बताएं, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 माइनस ओमेगा टी, तो अभी तो इसको कंपेयर करना मुश्किल हो गया, अगर π/2 माइनस ओमेगा टी लिखते हैं तो बेटर है, ओमेगा टी माइनस π/2 अगर आता ही है, तो यहाँ फेज ओमेगा टी और यहाँ पर ओमेगा टी माइनस π/2, तो यहाँ पर ये लिखने में थोड़ी सी गलती की गई है सॉल्यूशन में, ये सीबीएसई का ही सॉल्यूशन है बच्चों, मैंने नहीं बनाया है, सीबीएसई के पेपर के ही क्वेश्चन है, उसी के सॉल्यूशन है, तो हम जानते हैं इंडक्टर में करंट जो है 90 डिग्री पीछे रहती है, तो यहाँ π/2 माइनस ओमेगा टी की जगह होना चाहिए था, आना चाहिए था ओमेगा टी माइनस π/2, जब तुम डिराइव करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, एवरेज पावर के लिए भी डेरिवेशन किया है जो रिक्वायर्ड नहीं है, तुम चाहो तो कर सकते हो एवरेज पावर का डेरिवेशन, अदरवाइज जैसे ही आ गया फेज डिफरेंस π/2 आ रहा है, तो हम सीधे एवरेज पावर का फॉर्मूला लिखकर, वी नो दैट एवरेज पावर इज Vrms Irms cos phi, और जिसमें phi की वैल्यू डाल देंगे π/2, हमें रिजल्ट मिल जाएगा 0, ऐसे भी दिखा सकते हैं, और डिराइव करके दिखाने तो डिराइव करके भी दिखा सकते हो, दोनों में पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, द करंट थ्रू टू इंडक्टर्स, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से नई तरह का सवाल है, दो इंडक्टर्स जिनके सेल्फ इंडक्टेंस 12 मिली हेनरी और 30 मिली हेनरी है, यानी दो कॉइल्स हैं उनके इंडक्टेंसेस इतने इतने हैं, और वो बढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग विद टाइम एट द सेम रेट पर, टाइम के साथ बढ़ रहे हैं, ड्रॉ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द EMF induced with the rate of change of current in each inductor. एक ग्राफ हमें EMF induced का बनाना है, change in current के साथ, rate of change of current के साथ. दूसरा ग्राफ हमें energy stored का बनाना है, current के साथ. दो ग्राफ predict करने. हर साल ग्राफ based questions आते हैं और हर साल कोशिश की जाती है कुछ unknown ग्राफ introduce किए जाएं. तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, आशा रख सकते हो कि इस बार भी, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है, प्रेडिक्शन तुम जानते हो, तो तुम ग्राफ प्लॉट कर पाओगे, पर पहले वो ग्राफ देखे हुए हो ऐसा जरूरी नहीं है, किताब में बने हो ऐसा जरूरी नहीं है। और फिर हमें लास्ट में कहा गया कंपेयर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल्स, कंपेयर वर्ड जहां भी आता है इसका मतलब होता है यू हैव टू टेक रेशियो, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, वहां न्यूक्लियस चैप्टर में वहां पूछते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी को ऑर्डिनरी मैटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करो, ऑर्डिनरी मैटर की डेंसिटी हम वाटर की डेंसिटी लेते हैं 10^3,
और न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी हम निकालते हैं जो 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब के ऑर्डर की आती है। तो कंपैरिजन का मतलब होता है दोनों का रेशियो, यानी 10 पावर 17 अपॉन 10 पावर 3 मींस 10 पावर 14। तो पावर डिसिपेटेड उसके लिए तुम्हें दिए कंपैरिजन के लिए यहां जो दिया हुआ है बोला है कि पावर डिसिपेटेड जो है कॉइल्स में सेम है। पावर होता है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। तो सॉल्यूशन देखो बच्चों इसका, एक इंडक्टर, पहली बात तो ग्राफ जो जा रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इसके लिए लॉजिक क्लियर होना चाहिए तुम्हें ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों जा रहा है। माइनस ई जो होता है होता है माइनस एल टाइम्स डी आई बाई डी टी, तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है हमारे पास या एक क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, तो उस वजह से ग्राफ जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर जो कम वैल्यू है उसका स्लोप कम है, जो ज्यादा वैल्यू उसका स्लोप ज्यादा है। तो एक तो ये नया ग्राफ है इसको तुम्हें समझना होगा। दूसरा अगर मैं एनर्जी के लिए बनाता हूँ तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये जो वेरिएशन है पैराबोलिक नजर आ रहा है स्क्वायर वाले रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए, और एल आई स्क्वायर करंट का स्क्वायर। अब एल अगर ज्यादा है तो नेचुरल है उसमें करंट जो है वो कम हो जाएगी, करंट कम होने की वजह से इस ग्राफ में प्रेडिक्ट कर सकते हो ये 30 मिली हेनरी जो है वो पहले क्यों है और 12 मिली हेनरी बाद में क्यों है हाफ एल आई स्क्वायर के हिसाब से। हालांकि कैलकुलेशन सपोर्टिंग में हम दे सकते हैं यू वन अपॉन यू टू कंपेयर किया हाफ एल वन आई वन स्क्वायर हाफ एल टू आई टू। अब दिया हुआ है कि पावर सेम है तो ई वन आई वन वोल्टेज इंटू करंट ये पावर होती है, तो यहां से आई वन अपॉन आई टू हमें मिल जाता है ई टू अपॉन ई वन जो डी आई वाई डी टी सेम है इसलिए एल टू अपॉन एल वन के बराबर हो गया। तो यहां से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं यू वन अपॉन यू टू जो कंपेरिजन करना था और वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये डेटा आ जाता है 30/12 2.5। इसकी कैलकुलेशन तुम देख सकते हो। नेक्स्ट है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए नैरो स्लिट। जब भी एक ही स्लिट है तो तुम्हें समझ जाना है डिफ्रैक्शन है, और जब भी दो स्लिट लिखा होगा तुम्हें समझना है इंटरफेरेंस है। तो ये एक ही स्लिट है और विड्थ ए दी हुई है क्योंकि डेटा ए आ रहा है मतलब डिफ्रैक्शन है और डेटा स्मॉल डी होता है मतलब इंटरफेरेंस आता है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न लिखा हुआ भी है स्क्रीन पर, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस कैपिटल डी, कैपिटल डी मीटर के ऑर्डर की होती है विद द हेल्प ऑफ ए रिलेवेंट डायग्राम। इसके लिए रिलेवेंट डायग्राम बनाना जरूरी है। डिड्यूस द कंडीशंस, ये बड़ा क्वेश्चन है बच्चों जो डिफ्रैक्शन पे पूरा बड़ा क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का, फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द स्क्रीन। मैक्सिमा मिनिमा की जो कंडीशन है वो निकालनी है, तुम्हें पता है डिफ्रैक्शन में उल्टा हो जाता है इंटरफेरेंस से। यूज दीज कंडीशंस टू शो दैट एंगुलर विड्थ, और फिर कुछ अगला क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है साथ में पूछ, एंगुलर विड्थ हमें निकालनी है सेंट्रल राइट मैक्सिमम की जो 2 लैम्डा अपॉन ए आती है, ग्राफ से भी हम दिखा सकते हैं और हमें दिखाना है कि वो डबल होगी बाकी जो दूसरे हैं सेकेंडरी मैक्सिमा उनसे। तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, तुमने पहले भी किया होगा, एक से ज्यादा मेथड से इसको किया जा सकता है। एक मेथड एनसीईआरटी में है, एक मेथड यहाँ पर तुम देखोगे डायग्राम एनसीईआरटी से मिलता जुलता है, तीसरा मेथड तुमने कहीं और देखा हो या फिर क्लास नोट्स अगर तुम्हारे पास है तो तीसरा मेथड वहां पर है जो हमने डायग्राम बना के दिखाया फ्रॉनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन के लिए, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, दो लेंस L1 और L2 यूज किए हमने स्लिट के रिस्पेक्ट में स्क्रीन और सोर्स दोनों को अपरेंटली इंफिनिटी पर बनाने के लिए। ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे जैसा तुम देख रहे हो 3 नंबर का। तो यहाँ पे कंडीशन ऑप्टेन करनी होगी, फिर सेंट्रल राइट मैक्सिमम बताना होगा। इसमें यहाँ जो सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है बहुत छोटा है पर तुम्हें इसमें बाकी डिटेल भी लिखनी होगी। तुम्हें ये भी बताना होगा पार्ट डिफरेंस यहाँ पर ए थीटा से दिखा दिया, एंगल छोटा लेते हुए ये शॉर्टकट मार है, तुम इस शॉर्टकट को यूज तो कर सकते हो, बाकी पार्ट डिफरेंस आता है ए साइन थीटा, तो एंगल छोटा मानते हुए हम ये अजम्पशन लगा लेते हैं तो आसान हो जाता है। ये समझ में आता है तुमको तो ऐसे कर सकते हो, पर थोड़ा इसको डेरिवेशन को बढ़ाना होगा, ये बहुत ही छोटा है 3 नंबर के हिसाब से, और तुम दूसरे मेथड से भी कर सकते हो जो तुमने सीखा था क्लास में। 18th, draw a ray diagram. हमें एक ray diagram खींचना है depicting the formation of image by an astronomical telescope in normal adjustment. Most of the time, telescope normal adjustment में पूछा जाता है relaxed eye के लिए, और microscope पूछा जाता है near point adjustment में
स्ट्रेन्ड आई के लिए, ये टर्म्स से फैमिलियर होना चाहिए तुमको। यही दो डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, हालांकि इनके कॉन्ट्रेरी रेयरली कभी कभी ये भी पूछा गया है बोर्ड में कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में और माइक्रोस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट में। प्रेडिक्टेबल है, अगर एक आता है तो दूसरा बनाया जा सकता है। फिर बी पार्ट है, एक तो पहले पार्ट में तो डायग्राम बनाना है, डायग्राम जब बनाएंगे तो ध्यान रखना है प्रॉपर नेमिंग करनी है सारी, और एरो जरूर दिखाने, रे किधर से किधर जा रही है, एरो नहीं दिखाए तो डायग्राम इनवैलिड हो जाता है। प्रेफरेबली पेंसिल से बनाना है डायग्राम। यू आर गिवन द फॉलोइंग थ्री लेंसेज, तुम्हें तीन लेंस दिए गए हैं, तुमसे पूछा है इनमें से कौन से तुम यूज करोगे आईपीस की तरह और ऑब्जेक्टिव की तरह, तो तुम्हें क्लियरली अलग अलग बताना होगा आईपीस के लिए कौन सा और ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा, अगर तुम बनाना चाहते हो एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो हमें पता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव अपर्चर में बड़ा होता है और आईपीस छोटा होता है। फिर हम मैग्नीफाइंग पावर जानते हैं, मैग्नीफाइंग पावर जो होती है टेलीस्कोप की, एनसीईआरटी में एफओ अपॉन एफए लिखी हुई है, पर जो सही है वो तुम्हें पता है क्योंकि इमेज इन्वर्टेड बनती है, तो एक नेगेटिव साइन भी आता है इसमें, माइनस एफओ अपॉन एफए, ये होती है मैग्नीफाइंग पावर। तो तुम चाहोगे एफ ओ ज्यादा से ज्यादा हो, फोकल लेंथ ज्यादा से ज्यादा मतलब पावर कम से कम, तो जो मिनिमम पावर वाला है L1 उसको हम बनाएंगे ऑब्जेक्टिव, और जो मैक्सिमम पावर वाला है यानी मिनिमम फोकल लेंथ वाला है, फोकल लेंथ कम से कम होगी तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा से ज्यादा होगी, इससे हम बनाएंगे आईपीस। तो ये रे डायग्राम नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए और सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ड्रॉ ए प्लॉट, ग्राफ बनाना है शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी वोल्टेज के साथ कलेक्टर पोटेंशियल वोल्टेज अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर सेम इंटेंसिटी, पहला ग्राफ ये बनाना है। फिर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमें ऑब्जर्वेशन जो मिल रहे हैं उनको एक्सप्लेन करना है इस ग्राफ से, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। What change will you observe? तुमसे पूछा क्या चेंज ऑब्जर्व करोगे अगर इंटेंसिटी जो है उसको चेंज कर दिया जाए पर फ्रीक्वेंसी सेम रहे। तो बच्चों फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जहां तक बोर्ड का सवाल है एनसीईआरटी लेवल की अगर हम बात करें, एनसीईआरटी में जैसा दिया है, अगर तुम फ्रीक्वेंसी को सेम रख रहे हो मीन्स एनर्जी विल नॉट चेंज, यानी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज, और अगर इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं, इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेटेड विद द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट सीधे सीधे बढ़ जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन अगर तुम देखते हो ग्राफ बनाने का, और इसका एक नंबर है ग्राफ का आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से एक्सप्लेन करने का, आधा और आधा दो पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्राफ ऑफ फोटो करंट विद उसका भी एक नंबर, तो ये ग्राफ हो गया जो दिखा रहा है सैचुरेशन करंट, यानी इंटेंसिटी सेम है फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, एनसीईआरटी में बना हुआ है ग्राफ विद एक्सप्लेनेशन। एक दो लाइन एक्सप्लेनेशन की लिखनी जरूरी है, ग्राफ तो बना देना फिर एक दो लाइन लिखना भी सही उसके बारे में, यहाँ पे नहीं है लिखी हुई पर तुम्हें लिखनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये हम जानते ही होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये एक्सप्लेन कर दिया, तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी देयर विल बी डिफरेंट वैल्यू ऑफ कट ऑफ पोटेंशियल। इसके अलावा भी और कई तरीके हैं एक्सप्लेनेशन के, तुम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे कम पर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाती है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। फिर ये दूसरा वाला ग्राफ जो उन्होंने डिमांड किया था वो है डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए, सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। इसमें और में क्वेश्चन दिया हुआ था, कई बच्चे सवाल पूछते हैं सर दोनों कर दें तो, और वाला भी कर आए हमको दोनों आते हैं तो कोई फायदा होगा क्या? तो बच्चों कोई फायदा नहीं होने वाला है, रूल यहाँ पर यह है कि अगर तुमने और वाला पार्ट भी कर दिया है तो जो पहले किया है वो रिटेन करेंगे यानी वो रखेंगे, जो बाद में किया उसको काट दिया जाएगा। तो पहले जो करोगे और में से और वाले पार्ट का, पहला वाला पार्ट अगर करते हो तुम, ये बोले दोनों पार्ट करते हो तो पहला पार्ट जो किया था पहले जिसको किया है उसके नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। ड्रॉ ए ग्राफ
showing the variation of binding energy. बहुत ही important graph होता है binding energy. लगभग हर साल पूछ लेते हैं binding energy per nucleon versus mass number a for the nuclei. अब की बार इस question में थोड़ा range दे दी गई है तुमको, पूरा graph नहीं पूछा. हालांकि पूरा अगर बना के आते हो तो भी number मिलेंगे. तुम्हें एक particular range के लिए पूछा है. A greater than equal to 20, less than equal to 170. वैसे जो डेटा NCERT में दिया है वो 20 के बजाय 30 से दिया है, पर इन्होंने 20 से पूछ लिया है. बी पार्ट, न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 240 एंड हैविंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये न्यूमेरिकल दे दिया, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इससे दो फ्रैगमेंट बनते हैं, टूटता है वाई और जेड में, जिनके मास नंबर 110 एंड 130 है रिस्पेक्टिवली. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वाई और जेड की इतनी है अगर, तो तुम्हें एनर्जी रिलीज निकालनी है. इसको क्यू वैल्यू भी बोलते हैं बच्चों, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, इसको बोलते हैं एनर्जी रिलीज्ड. तो इसको इक्वेशन लिखनी होगी हमें, इक्वेशन लिखकर फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो पार्ट ए का सॉल्यूशन ये ग्राफ है, जिसमें टॉप पर आता है फेरस, यहाँ 14 लिखा हुआ है, पर ये 14 नहीं होगा, 2656 मिस प्रिंट है. तो फेरस 2656 टॉप पर होगा, इसका एटॉमिक नंबर है 26 और मास नंबर होता है 56. तो ये पार्ट ऑफ द ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी कर्व का. तुम एनसीईआरटी से इसको तैयार कर सकते हो, इंपॉर्टेंट ग्राफ. एनर्जी रिलीज, ये कैलकुलेशन हो गई. कैलकुलेशन इजी है, तुम देखोगे कैलकुलेशन करके तो बहुत इजी है. साथ साथ ध्यान रखना बच्चों, कभी तो ये वाला ग्राफ आता है और कभी ये वाला ग्राफ आता है, जिससे तुम फैमिलियर होंगे. ये थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने. दोबारा बनाता हूं. तो कभी जो है ये वाला ग्राफ आता है कि दो न्यूक्लियन के बीच डिस्टेंस हम कब कर रहे हैं, उनकी एनर्जी का क्या होगा. ये दोनों ही ग्राफ लाइन से बने हुए एनसीईआरटी में, दोनों तैयार कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट. बोर्स के पोस्टुलेट यूज करने हमको, इंपॉर्टेंट होते हैं. फिजिक्स में सिर्फ तीन पोस्टुलेट है, पहला है स्टेबल ऑर्बिट्स, दूसरा है mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई और तीसरा है e2 माइनस e1 इक्वल टू h nu. ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्मेट बताया, इनको तुम्हें लैंग्वेज में लिखना होगा. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है इलेक्ट्रॉन का जो nth ऑर्बिट में घूम रहा है. ये बच्चों आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं. यहाँ लैंग्वेज कम है तो किसी और तरीके से भी कर सकते. एक तरीका ये कि तुमने कुल मिला के बच्चों तीन इक्वेशन होती है, तीन इक्वेशन से ये सारी कंडीशन निकल जाती है बोर वाली. तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, रेडियस निकालनी है, एनर्जी निकालनी है. तो तीन फॉर्मूले अगर तुम्हें आते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे यहां तुम देख रहे हो जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. तो दोनों को बराबर कर दिया, KQ1Q2/r² इक्वल टू mv²/r. दूसरा हमको चाहिए होता है mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. और तीसरा रिलेशन अगर फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है तो हमारे काम आता है ये वाला, टाइम पीरियड वाला ले लो या तुम फ्रीक्वेंसी वाला डायरेक्ट भी ले सकते हो. ओमेगा से लिंक कर सकते हैं हम, ओमेगा इक्वल टू v इक्वल टू ओमेगा r, v इक्वल टू ओमेगा r से हम लिंक कर सकते हैं. तो इन तीन से काम हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 21, स्टेट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके. तो तुम्हें बता दूं, n इक्वल टू n0 e रेस्ट टू पावर माइनस लैम्डा t, इसका जो डेरिवेशन है वो तुम्हें आना चाहिए. यह स्टेटमेंट पूछा रेडियो एक्टिव डिके लॉ का, SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी भी पूछी है. ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी. तो ये भी बैकवर्ल होती है बच्चों, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड भी कह सकते हैं, और रेडियो एक्टिविटी पूछे तो उसकी भी बैकवर्ल होती है दोनों की. फिर एक न्यूमेरिकल अटैच कर दिया, तो तुम पैटर्न देख रहे हो, पैटर्न इनडायरेक्ट है, और एक थ्योरेटिकल पार्ट, एक न्यूमेरिकल पार्ट, एक कंसेप्चुअल पार्ट, ऐसे क्वेश्चन मिले हुए आएंगे. देयर आर 4√2×10⁶ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन ए गिवन रेडियो एक्टिव सैंपल. इफ द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल 20 सेकेंड है, तो कितने न्यूक्लियाई डिके हो जाएंगे 10 सेकेंड में, ये हमें पता करना है. हम n/n0 = ½⁻⁴t/t वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पर तुम्हें ध्यान रखना है तुमसे पूछा है कितने डिके हो जाएंगे, जबकि यहां तुम्हें क्लियर होना चाहिए
शुरू में जो होते हैं t इक्वल टू जीरो पर वो होते हैं एन जीरो, और बाद में जो रह जाते हैं अनडिकेड वो होते हैं एन, यानी एन अपॉन एन जीरो में एन है जो अनडिकेड है, और यहाँ पूछा है कितने डिके हो जाएंगे। इसका सॉल्यूशन अगर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, स्टेटमेंट एक नंबर, रेट ऑफ डिके ऑफ ए गिवन रेडियोएक्टिव सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर प्रेजेंट इन द सैंपल, इसी को कहते हैं रेडियोएक्टिव डिके लॉ, ऐसे लिखा भी जा सकता है। फिर यूनिट बता दी हमने बैकवर्ड, और ये फॉर्मूला यूज किया, आइदर ये फॉर्मूला यूज करो या एन अपॉन एन जीरो, दोनों में से कोई सा एक फॉर्मेट यूज करते हैं। तो इसमें इसको यूज करेंगे तो लॉग टेबल देखनी पड़ेगी, उस तो हम उससे बचते हुए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, हालांकि लिख जरूर सकते हो वहां पे उसको। तो अगर तुमने यहाँ पे ध्यान दिया, यहाँ जो एन कैलकुलेट किया और फिर ये जो छोटा एन निकाला और यहाँ लिखा हुआ बड़ा एन, तो यहाँ कुछ मिस प्रिंट है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से। छोटा एन तो चलो ठीक है, हाफ हो गया, तो कितने न्यूक्लियाई बच गए, ये है एन क्या होता है जो बच गए। अब ये सॉल्यूशन रॉन्ग है, यहाँ पे पूछा क्या है कितने डिके हो गए, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस डेटा फ्रॉम द टोटल न्यूक्लियाई, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, इस तरह की गलती बोर्ड में भी मिलती है, तुम्हें नहीं करके आनी है, इसको समझ के करना कि डिकेड पूछे हैं या अनडिकेड पूछे हैं। देखो यहाँ तो रूल में तो अनडिकेड है, यानी एन अनडिकेड है, तो कैलकुलेट भी अनडिकेड किया है, और वहां पूछा है कितने डिके हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, हाउ इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अचीव्ड, तरीका बता रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे होगा। फिर न्यूमेरिकल अटैच कर दिया, फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू साइड बैंड्स इन एन एएम वेव, ये दो फ्रीक्वेंसीज हैं साइड बैंड की, 640 एंड 660 किलोहर्ट्ज़ रेस्पेक्टिवली, और हमें फ्रीक्वेंसी पता करनी है कैरियर की और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की। कैरियर हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी वाला रहेगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी वाला रहेगा, और हमें बैंडविड्थ भी निकालनी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने पूरा बताया डिराइव करके कि ये एनसीईआरटी में है साफ साफ, तो मैं एनसीईआरटी से भी समझ सकते हो उसको। सीएमटी यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, उसमें क्या किया, एम्पलीट्यूड में कैरियर का जो एम्पलीट्यूड था उसमें मॉड्यूलेटिंग वेव यानी बेस बैंड सिग्नल का एम्पलीट्यूड जोड़ दिया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड चेंज होगा, जबकि फ्रीक्वेंसी जो हमने कैरियर की फ्रीक्वेंसी के बराबर ही रखी, और यहाँ पे म्यू को इंट्रोड्यूस किया, म्यू जो कि होता है एएम अपॉन एसी, जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो जो इक्वेशन 15.5 है एनसीईआरटी में, ये फॉर्मेट तुम्हें निकाल के आना है, एक फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व तो नहीं कहेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसमें तीन लाइन खींची हुई है, तीन लाइन दो बराबर साइज की एक थोड़ी ऊंची, तो उससे जस्ट पहले वाली इक्वेशन है 15.5 है जहां तक मुझे याद है। तो ये इक्वेशन डिराइव करने का मतलब हो गया, हमने बताया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम कैसे कर रहे हैं। फिर जो न्यूमेरिकल अटैच था, हमें FC प्लस FM दिया हुआ था और FC माइनस FM, USB और LSB, तो दोनों को जोड़कर हम FC निकाल सकते हैं जो हायर होगी और FM निकाल सकते हैं जो लोअर होगी, तो उससे हम बैंडविड्थ निकाल सकते हैं, बैंडविड्थ हमेशा ट्वाइस ऑफ FM के बराबर होगी, यानी USB माइनस LSB। ये आसान सा न्यूमेरिकल है, इसका आइडिया तुम्हें होना चाहिए। नेक्स्ट जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23, मिस्टर कामत द चीफ मैकेनिकल इंजीनियर इन नॉर्दर्न रेलवेज वेंट टू टोक्यो टू अटेंड ए सेमिनार ऑन फास्ट मूविंग ट्रेन्स, हिज फ्रेंड मिस्टर हीरो हियोकी एक्सप्लेन हाउ जापानीज पीपल आर कंसंट्रेटिंग ऑन एनर्जी कंजर्वेशन एंड सेविंग फॉसिल फ्यूल्स यूजिंग मैगलेव ट्रेन। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे तो ट्रेन की बात हुई थी, मिस्टर कामत ट्रेवल फ्रॉम टोक्यो टू ओसाका इन मैगलेव ट्रेन एंड फाउंड दैट दिस साउंड इज लेस, आवाज नहीं आती, ट्रेवल इज स्मूथ, जर्क्स नहीं आते, एंड अंडरस्टूड द जापानीज टेक्नोलॉजी इन मास ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, मैगलेव ट्रेन्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैसनर इफेक्ट। बच्चों मैसनर इफेक्ट तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, मैसनर ने यह पता लगाया था कि जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं दीज आर आइडियल डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, सुपर कंडक्टर्स एक्सपेल द मैग्नेटिक फील्ड, सुपर कंडक्टर्स अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को निकाल फेंकते हैं, उसी पर ये मैग्लेव का कंसेप्ट बेस्ड है।
तो दो वैल्यू बतानी है हमको, मिस्टर कामत ने क्या वैल्यूज देखी मिस्टर ह्योरकी में वो बतानी है, और मिस्टर कामत में क्या वैल्यूज तुमने देखी वो बतानी है, मैसनर इफेक्ट क्या होता है वो बताना है, और मैग्नेटिक परमेबिलिटी परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म के लिए लिखनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखो बच्चों, दो वैल्यूज जो बताओगे, ईगर टू शेयर आइडियाज एंड नॉलेज, प्रोफेशनलिज्म या मिलती जुलती, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, कोई सी दो। बी पार्ट ओपन माइंडेड ऑब्जर्वेंट अप्रिशिएटिंग गुड आइडियाज, तो इससे मिलता जुलता। ये पार्ट आसान होता है बच्चों, इसको नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, मैं हमेशा कुछ ना कुछ जरूर लिख कर आओ तुम्हें नंबर जरूर मिलेंगे। फिनोमेना ऑफ परफेक्ट मैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर्स, उसको मैसनर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया था, और क्योंकि परफेक्ट सुपर डायमैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं तो म्यू आर हो जाएगा जीरो, रिलेटिव परमेबिलिटी जीरो डायमैग्नेटिज्म। काई एम जो है वो नेगेटिव होता है, तो म्यू आर होता है 1+ काई एम, इसलिए जीरो। सेक्शन ई में चलते हैं, यूज 5 नंबर के क्वेश्चन आ गए बच्चों। यूज बायोट सावर्ट लॉ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर हैविंग कैपिटल एन टर्न्स एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, यानी एक्सियल पोजीशन पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस कॉइल, एक डायग्राम भी बनाना है। कभी ये पूछते हैं, कभी सोलेनोइड का पूछते हैं, कभी टॉरॉइड का पूछते हैं। तुम देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में सिमेट्री है, जो काम हम गॉस लॉ लगाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शॉर्ट में कर लेते हैं, वही काम अगर हम कूलम्स लॉ के साथ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाएं तो थोड़ी कैलकुलस हायर ऑर्डर की लगानी पड़ेगी, पर वो काम किया जा सकता है। जो इंपॉर्टेंस कूलम्स लॉ की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है वो मैग्नेटिज्म में बायट सावर्ट लॉ की है। तो अगर मैं बायट सावर्ट लॉ के साथ थोड़ी सी कैलकुलस लगाएं तो वो इफेक्ट आ जाएगा जो एम्पियर्स लॉ से आता है। एम्पियर्स लॉ का वही रोल है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ का है, तो एम्पियर्स लॉ से चीजें शॉर्ट हो जाती हैं, डेरिवेशन छोटे में हो जाते हैं, पर वो काम जो हम एम्पियर्स लॉ से कर रहे हैं वो अगर एम्पियर्स लॉ से ना करें तो बायट सावर्ट लॉ से भी हो जाएंगे, पर साथ में कैलकुलस लगानी होगी। तो ये तुम जानते हो, ये फैमिलियर डेरिवेशन है म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज टू पावर 3/2। और फिर जो बी पार्ट है, ये तुम्हें एक डायग्राम दिखाया हुआ है, तुम्हें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है लूप के, जो जीरो आएगा ये तुम्हें प्रूव करना है, क्योंकि लिखा है ऑप्टेन। ये डेरिवेशन जिससे तुम फैमिलियर हो ये कर लेना अपने आप, वेक्टर फॉर्म में लिखना, लैंग्वेज के साथ लिखना, डायग्राम प्रॉपर बनाना। डायग्राम में क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट बाहर है, कौन सा पार्ट अंदर की तरफ है, यानी करंट किधर से आ रही है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो सपोर्ट में तुम चाहो तो या नीचे एक और डायग्राम बनाकर दिखा सकते हो, इससे क्लैरिटी आ जाती है। जो मुझे यहाँ नजर आ रहा है ये वाला पार्ट पीछे है, मतलब मैं अगर यहाँ क्रॉस बनाता हूँ तो मुझे यहाँ दिखाना होगा डॉट, जो एक कॉइल में करंट के फ्लो को दिखाएगा। फिर ये डायग्राम उन्होंने पूछा है बी पार्ट में, न्यूमेरिकल पूछा है, बी पार्ट में न्यूमेरिकल आ गए। हमने बताया कि एक पार्ट के कारण अगर जो छोटा पार्ट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स होगा क्रॉस, तो जो बड़ा वाला पार्ट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स होगा डॉट, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, ये दिखा सकते। तो और वाला जो पार्ट है उसमें तुमको कहा है, ये नई तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है, शो हाउ बायट सावर्ट लॉ कैन बी अल्टरनेटिवली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, यानी बायट सावर्ट लॉ को एम्पियर सर्किट लॉ के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करोगे, एंड यूज दिस लॉ टू ऑब्टेन। अब तुम्हें समझना होगा ये यूज दिस लॉ एम्पियर लॉ के लिए आया है या बायट सावर्ट लॉ के लिए आया है, टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखोगे तो कई जगह तुम्हें कंफ्यूजन होगा फाइनाइट सोलेनोइड एंड इनफाइनाइट सोलेनोइड, ये दो केसेस, तो इनको समझ के करना है बच्चों। मैग्नेटिज्म
चैप्टर को खंगालो, फाइनाइट सॉलोनॉइड को भी समझो, इनफाइनाइट को भी समझो। हालांकि बोर्ड में दोनों फाइनाइट की जगह अगर तुम इनफाइनाइट से कर आते हो या इनफाइनाइट से की जगह फाइनाइट से, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, नंबर तुम्हें मिल जाते हैं, ये तुम्हें मतलब तुम्हारे इसमें फायदा हो जाता है, पर तुम्हें दोनों में डिफरेंस समझना चाहिए। तो ये कौन सा डेरिवेशन है मैं तुम्हें सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। दूसरा पार्ट न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल अच्छा है। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 0.45 मीटर एंड मास 60 ग्राम, दो वर्टिकल वायर से हमने लटका दिया, करंट 5 एम्पीयर की सेट की है। तो तुम देख सकते हो इसमें टेंशन पूछा है वायर में, कब जीरो हो जाएगी, कितनी करंट फ्लो कराए, यानी मैग्नेटिक लेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तीन नंबर का तो ये डेरिवेशन हो गया सोलेनोइड वाला, जिससे तुम फैमिलियर हो, म्यू जीरो एन आई, ये वाला कर देते हैं तो भी नंबर मिलेंगे। और फाइनाइट और इनफाइनाइट जो डिफरेंस है, ये इनफाइनाइट सोलेनोइड के लिए है बच्चों। हम ये अजम्पशन लेते हैं कि सोलेनोइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, म्यू जीरो एन आई तुमने निकाला, और ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 25, बेस्ड ऑन ऑप्टिक्स, एक्सप्लेन विद रीजन हाउ द पावर ऑफ ए डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग यानी कॉनकेव लेंस चेंजेस, इसकी पावर किस तरह से चेंज होगी। जब भी तुम्हें लेंस की पावर या फोकल लेंथ में चेंज निकालना है, यू हैव टू यूज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसको हमने रख दिया ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल से भी ज्यादा है। तो जब भी ऐसा करते हैं डाइवर्जिंग, तो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करने लगता है और कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करने लगता है। कॉन्वेक्स कॉनकेव बन जाता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स बन जाता है। तो वो हम लेंस मेकर्स फॉर्मूले से दिखा सकते हैं, विद रीजन एक्सप्लेन करना है मतलब तुम्हें सपोर्ट में फॉर्मूला लिखकर समझाना होगा। इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस बाय वॉयलेट लाइट, जब भी तुम लैम्डा चेंज करोगे, रेड का लैम्डा ज्यादा होता है, वॉयलेट का लैम्डा कम होता है, तो इसका सीधा इम्पैक्ट म्यू पर आता है। लैम्डा अगर कम होता है तो म्यू बढ़ जाता है, और म्यू अगर बढ़ जाता है तो फोकल लेंथ कम हो जाती है बच्चों। तो रेड से वॉयलेट पे शिफ्ट करोगे तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, तो पावर बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ और पावर भी रेसिप्रोकल है। तो ये सब रिलेशनशिप लिख कर देखो, तैयार करो। तो बी पार्ट में जो न्यूमेरिकल है, तीन लेंस है L1, L2, L3। अच्छा क्वेश्चन है, हर एक की फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तीनों को कोएक्सियली रखा है जैसे कि डायग्राम में दिखाया है। ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर पर रखा, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ लेंस L1 से, और फाइनल इमेज जो है वो रियल इमेज है, और वो L3 के फोकस पर फॉर्म हो रही है। फोकस पर तभी फॉर्म होती है जब रेज आती है इन्फिनिटी से, यानी पैरेलल रेज आती है। हमसे कहा एक सेपरेशन कैलकुलेट करो L1 और L2 के बीच, और L2 और L3 के बीच। जैसे डेटा को दिमाग में बैठा कर तुम डायग्राम देखते हो, इस डेटा को दिमाग में बैठाओ, इमेजिन करो सिचुएशन क्या है, डायग्राम से लिंक करो, क्योंकि इमेज 30 सेंटीमीटर पर ही बन रही है, फोकस पर बन रही है, मतलब यहाँ इन दोनों के बीच रेज पैरेलल हैं। पैरेलल रेज हैं तो इन दोनों के बीच तो डिस्टेंस कम हो या ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कितनी भी हो सकती है L2 और L3 के बीच। फिर क्योंकि ऑब्जेक्ट 60 पर रखा है, तुम यू को रखोगे -60 और इसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, एफ को रखोगे +30 और तुम पता कर लोगे हाउ मच इज वी। फर्स्ट सिचुएशन में वी, वी निकालने के बाद क्योंकि ये रेस को पैरेलल कर रहा है तो डेफिनेटली ये 30 सेंटीमीटर यानी फोकल प्लेन में होगा ऑब्जेक्ट, तभी रेस पैरेलल होंगी यानी फोकस से आ रही होंगी रेस तक, तो ये डिस्टेंस डेफिनेटली 30 होगी जैसे रेस पैरेलल हो जाएंगी। अब सॉल्यूशन आसान है, तुम इतना तो समझ पाओगे। ये पावर की फॉर्म में हमने पावर को भी इन्वॉल्व कर दिया लेंस मेकर्स फॉर्मूले में, लेंस डाइवर्जिंग से कन्वर्जिंग हो जाएगा और पावर बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ घट जाएगी वॉयलेट लाइट, जैसे मैंने भी बताया था। L2 L3 कितनी भी हो सकती है क्योंकि उनके बीच में दोनों लेंस के बीच में रेस पैरेलल है तो डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है। ऑप्शन में प्रिज्म वाला क्वेश्चन है, प्रिज्म वाला बड़ा क्वेश्चन जो बनता है इंपॉर्टेंट होता है, तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो फिर से आ जाएगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी होता है, तो प्रैक्टिकल और थ्योरी में जो है भाई सभी चाहते हैं तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए, तुम चाहते हो अच्छा आए, पेरेंट्स चाहते हैं तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए, सरकार चाहती है रिजल्ट अच्छा हो, टीचर्स भी यही चाहते हैं तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए,
तो कोई विलेन नहीं इस स्टोरी में, इसका मतलब वही पूछा जाएगा सबसे ज्यादा जो एक्सपेक्टेड है कि तुमने सबसे ज्यादा पढ़ा है, जो थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी हो तुमने सबसे ज्यादा पढ़ा है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करके जाना। फिर न्यूमेरिकल पार्ट आ गया इसका, तुमसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है वो कैलकुलेट करो, यहाँ इंग्लिश में देख लें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जब रे ऑफ लाइट जो एक फेस पर इंसिडेंट होती है इक्विलेटर ग्लास पर, जब भी इक्विलेटर आएगा मतलब प्रिज्म एंगल 60 डिग्री, वो इमर्जेंट रे प्रोड्यूस करता है जो कि ग्रेज करती है यानी जस्ट छूते हुए निकल जाती है एडजेसेंट फेस को, तो वो इंसिडेंट होगी क्रिटिकल एंगल पर तो छूते हुए निकल जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू, जिससे हम क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों आसान है, थोड़ा सा समझोगे सारी सिचुएशन क्लियर है, मैं तुम्हें सॉल्यूशन दिखा ही रहा हूँ, पर इसमें लैंग्वेज मिसिंग है, लैंग्वेज साथ में लिखना जरूरी, डायग्राम भी प्रॉपर बनाना जरूरी है, ग्राफ भी बनाना होगा। प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव किया, ये न्यूमेरिकल पार्ट आ गया बी पार्ट, जिसमें √2 sin 15 डिग्री आ रहा है, 15 डिग्री की परवाह तुम्हें करने की जरूरत नहीं, तुम इसको इस फॉर्मेट में छोड़ सकते हो, हालांकि तुम अगर डिमांड करोगे तो वहां पर तुम्हें 10 टेबल लॉग टेबल ये सब मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, और वैल्यू निकालना चाहो टाइम बचे तो निकाल भी सकते हो, पर इसके लिए नंबर कटने वाले नहीं है बच्चों, तुम चाहो तो छोड़ दो और टाइम बचा तो टेबल से एक कर निकाल सकते, नहीं तो कई बार लिखी हुई भी आती है क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन 26, फिगर शोज द इनपुट वेवफॉर्म व्हिच इज कन्वर्टेड बाय डिवाइस एक्स, ऐसा क्वेश्चन बन के आता है ब्लॉक डायग्राम में, तुमको पहचानना होता है, तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तुम देख रहे हो आउटपुट बड़ा होके मिल रहा है पर अपोजिट फेज में मिल रहा है, तो तुम्हें पहचानना है डिवाइस कौन सा है, डेफिनेटली आउटपुट बड़ा होकर मिल रहा है इसलिए एम्पलीफायर है ये, और वर्किंग भी समझानी है इसकी प्रॉपर सर्किट यूज करके, तो बच्चों समझ जाओ ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, और एक्सप्रेशन भी डिराइव करना है वोल्टेज गेन एंड पावर गेन, तो गेन किस में होता है एम्पलीफायर में होता है, ट्रांजिस्टर एक्टिंग एज एम्पलीफायर। फिर बी पार्ट है, तुमसे पूछा ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक बेस बायस ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तुम्हारे सिलेबस में यही है, तो ये डिराइव करो, ड्रॉ करो सॉरी, ग्राफ बनाने तुमको ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक, इसमें वोल्टेज ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक होता है, करंट ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक जो है पहले दिया हुआ था, तो ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक का मतलब हो गया आउटपुट वोल्टेज का वेरिएशन इनपुट वोल्टेज के साथ तुमको दिखाना है, और उसमें रीजन भी मार्क करना है, तो एम्पलीफायर की तरह हम यूज करते हैं एक्टिव रीजन में, सॉल्यूशन एनसीईआरटी से तुम देख सकते हो, यहाँ पर भी अवेलेबल है, ये दो कैपेसिटर हैं, कई बार इस पे पूछ लेते हैं पुछल्ला क्वेश्चन कि इनका रोल क्या है, तो ये डीसी को ब्लॉक करने के लिए, इनको हम बोलते हैं डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर, और वो जो फेज रिलेशनशिप दिखाई थी वो जब भी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है तो आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल से अपोजिट फेज में होता है, ये सारा डेरिवेशन तुमको यहाँ पे करके दिखाना है, और ये ग्राफ बनाना है, ग्राफ में तुम्हें पता होना चाहिए एक्टिव रीजन को यूज करते हैं हम क्योंकि यहाँ पे एम्पलीफिकेशन ज्यादा मिलता है, स्विच तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बच्चों, स्विचिंग के लिए हम यूज करते हैं कट ऑफ रीजन एंड सेचुरेशन रीजन, कट ऑफ से सीधे सेचुरेशन में जाएंगे स्विच ऑन स्टेट, सेचुरेशन से कट ऑफ में जाएंगे स्विच ऑफ, बट ट्रांजिस्टर एक्टिंग एज अ स्विच हट गया तुम्हारे सिलेबस से, एनसीईआरटी में तो है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पिछले साल भी नहीं था, और ऐसे ही ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फीडबैक एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर वो सब तुम्हें छोड़ना है, तुम्हें एम्पलीफायर अच्छे से तैयार करके जाना है और ट्रांजिस्टर के करेक्टरिस्टिक्स तैयार करने, ट्रांजिस्टर की वर्किंग तैयार करें। गेट्स फॉर बेस क्वेश्चन एक्सप्लेन ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम की मदद से पहले तो फुल वेव रेक्टिफायर समझाना है, उसका इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है, अच्छा सवाल है तुम्हें तैयार करना चाहिए, हाफ वेव आता है कभी फुल वेव आता है, आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट, लॉजिक गेट इसको पहचानना है तुम्हें कौन सा लॉजिक गेट है जो सर्किट देख रहा है, और इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है सारी पॉसिबल वैल्यूज के लिए, तो तुम पहचान सकते हो ये तीन नॉर गेट है, तीन नॉर गेट से हम क्या बनाते हैं एंड गेट बनाते हैं, क्योंकि दो नॉर होंगे तो बनेगा और, तो तीन नॉर से बनेगा एंड गेट, पहले तो रेक्टिफायर बता देंगे, रेक्टिफायर जब भी बनाओगे सर्किट तो इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म बनाना जरूरी है, वर्किंग उसकी समझा दोगे अपनी लैंग्वेज में, इसकी परवाह मत करना, जब भी तुम पैराग्राफ लिखते हो बस लिखना होता है, ग्रामर की परवाह किए बिना तुम लिख सकते हो, तुम अपने लैंग्वेज में बता सकते हो कौन सा डायोड क्या कर रहा है, कैसे रेक्टिफिकेशन हो रहा है, ये ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है, तो एक ग्राफ बनाओगे
वो एंड गेट पहचान और फिर ये ट्रुथ टेबल। एंड गेट का यूनिक फीचर है केवल तभी आउटपुट 1 मिलता है जब दोनों इनपुट 1 होते हैं। तो बच्चों ये पूरी डिटेल हमने डिस्कस की, ध्यान से इसको पढ़ के जाओ, तैयार करके जाओ, डेफिनेटली फायदा होगा, बहुत बहुत फायदा होगा। और जब फायदा होगा जो भी तुम्हारे व्यूज रहते हैं वो जरूर शेयर करो। और एग्जाम देने के बाद अब इंटरेक्शन होगा अपना एक बार फिर, तो एग्जाम के बाद मुझे तुम्हारा फीडबैक चाहिए बच्चों कि तुमने कैसे तैयारी की और पेपर कैसा गया। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, हेल्प द अदर्स, दूसरे बच्चों को भी बताओ जो जिनकी पहुंच नहीं है उनको, जिससे उनको भी पढ़ने में आसानी हो, वो भी पास हो सके। हमारा ऑब्जेक्टिव है सब अच्छे नंबर लाएं, सब अच्छे नंबरों से पास होएं, फिर अच्छे से छुट्टियां मनाएं, आगे अपने करियर में सक्सेसफुल हों। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।